You guys are undeserving. And without reservation, you can never get admission in this prestigious college. आरक्षण के बिना तुम जैसे लोग यहाँ कभी दाखिल नहीं हो पाते, कभी एडमिशन नहीं ले पाते। ये जो डायलॉग आपने सुना है वो दरअसल एक फिल्म का डायलॉग है, लेकिन इस देश की हकीकत को, इस देश के जातीय चरित्र को बयां करता है। फिल्म का नाम है कोटा द रिजर्वेशन। दरअसल ये एक फिल्म है जो संजीव जायसवाल लेकर आ रहे हैं और आज इस फिल्म का एक ट्रेलर रिलीज हुआ है। फिल्म के ट्रेलर को पहले आप देखिए और फिर हम इस बारे में बात करेंगे और इस फिल्म की कहानी और इसके किरदारों के बारे में और इसकी जो मूल भावना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप फिल्म का ट्रेलर देखिए। You guys are undeserving and without reservation, you can never get admission in this prestigious college. 5 साल हो गए इस कॉलेज, आज तक किसी ने चूं तक नहीं बोला। और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मुझे आंख दिखाए? दलित छात्रों का उत्पीड़न, प्लीज उसे रोकिए। एक तो कोटे से आकर हमारे हिस्से की सीट घेर लेते हो और उस पर मुझे आंख दिखाते हो। तू फेल हो गया। लेकिन मैं ये कैसे फेल हो सकता है? इसके नोट्स लेकर मैं पढ़ता हूँ। ये फेल हो नहीं गया, कर दिया गया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला, मुंबई की मेडिकल छात्रा पायल तड़वी और न जाने कितने और दलित स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी जाति की वजह से उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। किसी को तो आगे आना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि बात दूर तक जाए। आरक्षण भीख नहीं, अधिकार है। तो फिल्म का ट्रेलर देखकर आप समझ गए होंगे कि ये फिल्म किस बात पर आधारित है। दरअसल ये आरक्षण पर आधारित है और आरक्षण के नाम पर बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में, चाहे वो IIT हो, एम्स हो या अलग जो शिक्षण संस्थान है, वहां पर जिस तरह से बहुजन छात्रों के साथ भेदभाव होता है, उनके साथ जातिगत दुर्व्यवहार होता है, उनके ऊपर हिंसा होती है, उस समस्या को इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म को जो बना रहे हैं, फिल्म के निर्माता, उनका नाम है संजीव जायसवाल। और संजीव जायसवाल के बारे में अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि संजीव जायसवाल वही फिल्म निर्माता डायरेक्टर हैं जिन्होंने शूद्रा द राइजिंग फिल्म बनाई थी। शूद्रा द राइजिंग जो फिल्म है वो बेहद कामयाब और बेहद ही सटीक मार्मिक चित्रण है इस देश में शूद्र और अति शूद्र कहे जाने वाले लोगों के जीवन पर। और पौराणिक संदर्भ में उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से चतुर वर्ण की जो व्यवस्था थी वो कितनी क्रूर थी, उसको उन्होंने शूद्र द राइजिंग के जरिए दिखाया था। अब वो नई फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम है कोटा द रिजर्वेशन। इस फिल्म के जरिए संजीव जायसवाल ने दरअसल उस समस्या को उठाने की कोशिश की है जो बहुत सारे छात्रों की जिंदगी तक को लील जाते हैं। आपको याद होगा रोहित वेमुला, पायल तड़वी, डेल्टा मेघवाल और ऐसे तमाम नाम अक्सर हमें सुनाई देते हैं। उनकी खबरें आती हैं कि उन्होंने अपने जिंदगी को ख़त्म कर दिया, उनकी सांस्थानिक हत्या हो गई, उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो गया, क्योंकि उनके जो टीचर्स होते हैं या जो उनके कलीग या फिर क्लासमेट्स होते हैं वो उन्हें इतना प्रताड़ित करते हैं, उन्हें इतना परेशान करते हैं कि आखिरकार उन्हें अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का इतना खतरनाक फैसला तक लेना पड़ जाता है। तो ऐसे छात्रों की ज़िंदगी को एक तरीके का ट्रिब्यूट भी है ये फिल्म और इसमें दिखाया गया है। इसमें बकायदा जिक्र होता है पायल तड़वी का, रोहित वेमुला का, इनके जिक्र होते हैं और ये बताया है कि कैसे ये लोग इस सिस्टम में रहते हुए, जातिवाद को सहते हुए, इस दुर्व्यवहार का शिकार होते हुए कितना टूट गए होंगे, कितनी उनकी परेशानी रही होगी। तो उस परेशानी और उस पीड़ा को भी इस फिल्म के जरिए संजीव जो है वो पर्दे पर लेकर आ रहे हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला, मुंबई की मेडिकल छात्रा पायल तड़वी और न जाने कितने और दलित स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी जाति की वजह से उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। फिल्म के लीड रोल की अगर बात करें तो अनिरुद्ध दवे जो हैं वो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और अनिरुद्ध जो हैं बॉलीवुड के जाने माने नाम हैं, मशहूर एक्टर हैं, खासकर टीवी में कई सारे सुपरहिट सीरियल्स में उन्होंने काम किया है और कई फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया है, वो जाने माना नाम है। वो इसमें लीड रोल निभा रहे हैं उस स्टूडेंट की, उस छात्र की जो इस जातिवाद का शिकार होता है और फिर फाइट बैक करता है, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करता है, लड़ता है। तो बाबा साहब का जो संदेश है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसको इस फिल्म में दिखाने की कोशिश लगती है। ट्रेलर देखकर तो यही लगता है कि बाबा साहब के इस संदेश को इसमें दिखाया गया है कि कैसे हम तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम तकलीफों को सहते हुए भी शिक्षा हासिल करते हैं, फिर हम संगठित होते हैं और हम संघर्ष करते हैं अपने अधिकारों के लिए। तो फिल्म का ट्रेलर देखकर ये आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब के संदेश को इस फिल्म में दिखाया गया है। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि बात दूर तक जाए।
आरक्षण भीख नहीं, अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ऐसा हुआ भी है। बहुत सारे दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोग जिन्होंने शिक्षा हासिल की है, उन्होंने अपने हक अधिकार के लिए आवाज भी उठाई है, अपने अधिकारों पर होने वाले कुठाराघात पर चैलेंज किया है। इसीलिए बहुत सारे मनुवादी लोग नहीं चाहते कि दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोग कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, पढ़ लिख कर वो अच्छी जिंदगी हासिल करें, और जो पोगा पंथ के ग्रंथ हैं जिनमें गुलामी भरी हुई है, जाति और व्यवस्था के आधार पर जिन्हें मूर्ख बनाकर रखा गया है, वो उस पर सवाल करें। इसलिए बहुत सारे मनुवादी लोग जो हैं वो हमारे दलित आदिवासी पिछड़े समाज से आने वाले छात्र छात्राओं के साथ ऐसे शिक्षण संस्थानों में बेहद दुर्व्यवहार करते हैं, उनका जीना आराम कर देते हैं। आप देखिए कि पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के छात्र छात्राएं कॉलेज की दहलीज तक पहुंचते हैं, स्कूल की दहलीज तक पहुंचते हैं, और वहां उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार होता है। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, डेल्टा मेघवाल जैसे जो नाम हैं वो इसी मनुवादी सोच के, इसी जो बहुत ही फासिस्ट सोच है उसका शिकार होने वाले लोग हैं। इसीलिए इस फिल्म के जरिए उनकी संघर्ष को दिखाने की कोशिश हुई है। और आपको याद होगा कि जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो 7 नवंबर 1900 को उनको स्कूल में पहली बार एडमिशन मिला था और उन्हें क्लास में नहीं बैठने दिया गया था, उन्हें बाहर कर दिया गया था कि आप बाहर बैठकर पढ़िए, यानी हमारे जो लोग हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से लेकर आज तक हम इस तरह के भेदभाव झेलते हैं। अब फिजिकल अनटचेबिलिटी शायद कम हो गई है, लेकिन दूसरे तरीके की अनटचेबिलिटी है, मेंटल अनटचेबिलिटी है। और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं कि वहां पर हमारे ना सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ में बल्कि फैकल्टी के साथ में जो शिक्षक लोग होते हैं SC ST OBC समाज के, उनके साथ भी भेदभाव होता है। ये तमाम इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो उस समस्या को इस फिल्म के जरिए उठाया गया है। तो हमें उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी और शानदार साबित होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, गुजराती और मराठी भाषा में रिलीज हुआ है, यानी इन भाषाओं में फिल्म जो है वो उपलब्ध होगी। और बाबा प्ले नाम से एक ऐप है जिस पर इस फिल्म को रिलीज करने का ऐलान किया गया है, वो आप ट्रेलर के अंत में देख सकते हैं कि वो बाबा प्ले ऐप पर जो है ये फिल्म जो है रिलीज होने वाली है। कमिंग सून है लिखा है, कब रिलीज होगी डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन इस ट्रेलर को देखकर आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि ये फिल्म जो है बहुत शानदार होने वाली है। और खासकर जो हमारे लोग हैं जो जाति की समस्या से परेशान हैं, उन लोगों के लिए फिल्म जो है ना सिर्फ उनके संघर्ष को बयां करेगी बल्कि उनमें एक आत्मविश्वास भी भरेगी कि आप लड़िए और अपने हक के लिए संघर्ष कीजिए, और मनुवादियों के शोषण का, उनके जातीय दुर्व्यवहार का शिकार होकर कभी हिम्मत मत हारिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म उसी तरह से होगी, क्योंकि अभी लगातार जो दलित पहचान, दलित अस्मिता की फिल्में हैं वो सामने आ रही हैं और कमाल कर रही हैं, धमाल कर रही हैं। आपको सूर्या की फिल्म जय भीम तो याद ही, अभी उसकी इतनी चर्चा है IMDb पर, उसने तमाम जो है रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाली वो फिल्म है। उसके अलावा सुरन, कर्णन और सरपट्टा परम्बई, तमाम ऐसी फिल्में आ रही हैं जो कि जातीय पहचान के मसलों पर, जाति से जुड़ी समस्याओं पर बेहद सटीक निशाना लगाती हैं, और जो कमर्शियल सिनेमा है उससे भी किसी मामले में वो पीछे नहीं है, चाहे वो प्रोडक्शन की क्वालिटी हो या फिर कहानी, किरदार, अभिनय हो, हर चीज़ को लेकर वो बेहद शानदार और कामयाब हो रही हैं फिल्में। तो हम उम्मीद करते हैं कि संजीव जायसवाल की ये फिल्म कोटा द रिजर्वेशन भी अपने आप में बेहद शानदार फिल्म साबित होगी। फिल्म जब आएगी तो उसका रिव्यू करेंगे। फिलहाल आप ट्रेलर देखने के लिए बाबा प्ले के YouTube चैनल पर जा सकते हैं या फिर उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर इस फिल्म को आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखें, कमेंट में लिखें। कुछ कहानी के बारे में, कुछ और दिलचस्प जानकारी अगर आपके मन में आ रही हो या आपको बताओ तो कमेंट में लिखें, हम उसको पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है साथियों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार और अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।